एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लीनियर और रोटेशनल मोशन को आज फिर से कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन में स्टार्ट हमने एक्स से किया था लीनियर में, और इसमें जो क्या था एंगुलर में थीटा था, वी की जगह ओमेगा था, ए की जगह अल्फा था, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, न्यूटन का लॉ। तो ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था। एफ की जगह क्या यूज़ करते हैं? टॉर्क। एम की जगह क्या यूज़ करते हैं? आई, स्केलर, स्केलर। ए की जगह क्या यूज़ करते हैं? अल्फा वेक्टर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। फिर हमने फोर्स में न्यूटन का लॉ किया था, लेकिन उससे पहले एक टर्म की थी मोमेंटम, पी वेक्टर, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर। जो काम इसमें लीनियर मोमेंटम करता है, वो काम इसमें एंगुलर मोमेंटम करता है। पी की जगह एल यूज़ करते हैं। पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एम इंटू वी होता है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसमें एल वेक्टर यूज होगा, एम की जगह आई और ओमेगा की जगह ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जो काम उसमें पी एम वी करता है, वो काम इसमें आई ओमेगा करेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है? कोलिजन्स में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी कब लगता है? कोलिजन्स और इसी तरीके से। एक स्टिक पड़ी है टेबल के ऊपर, एक बुलेट आई, अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बुलेट ने उसको टक्कर मारी और स्टिक घूमने लग गई और वो आगे भी जा रही है। अब एक लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और क्योंकि चीज़ घूम भी रही है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पैरेलल लगाना होता है। तो मतलब लीनियर मोमेंटम जितना कॉन्सेप्ट तो लगेगा लगेगा, साथ में एंगुलर भी साथ लगना स्टार्ट हो जाएगा जब जब बॉडी घूमेगी, सही है? तो एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा और फर्दर करते जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने की, और अभी स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ। एंगुलर मोमेंटम से पहले एक और चीज़ सच, लीनियर मोमेंटम में एफ क्या होता था? डी पी बाय डी टी। इसके अंदर बोलो क्या लगेगा? न्यूटन का लॉ, टॉर्क इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ कितना? एल वेक्टर। पी वेक्टर की जगह एल वेक्टर, एफ वेक्टर की जगह टॉर्क वेक्टर। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हर चीज़ वही रोटेशन में सिर्फ कन्वर्ट की जा रही है, बाकी कॉन्सेप्ट तो लीनियर का ही है, सही है? फिर हमने ये भी किया था कि अगर मान लो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती बाहर से, तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो यहाँ चलते हैं। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बस यही टॉपिक तो करने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लेकिन कंजर्वेशन बाद में करेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम की एग्जाम्पल्स कैसे हैं वो देखते हैं, और कैसे निकलता है एंगुलर मोमेंटम वो भी देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें चलने वाली हैं। बिल्कुल सेम पैरेलल तरीके से चलेंगे, जैसे लीनियर मोमेंटम चलता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी चलेगा, ठीक है? तो देखा जाए तो मैंने पूरे का पूरा रोटेशनल मोशन ही वहाँ लिख दिया जो हमने, मतलब आपको आइडिया तो हो ही गया कि ये सेम ही चीज़ चलने वाली है, बिल्कुल सेम पैरेलल, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट जो हमने करना है, हम इस तरीके से करेंगे इसे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टॉर्क या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट करवाया था, याद है? और मैंने इसको ऐसे करवाया था कि अगर ये एक्सिस है और सपोज ये आर वेक्टर है, ये रहा आर वेक्टर, मान लो ये एफ वेक्टर है, ये लो कहीं भी लगा लो, ये एफ वेक्टर है, ये लो ये एफ वेक्टर है, और आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो इनके बीच में थीटा एंगल है, तो मैंने आपको बताया था टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस एफ, यही होता है, या फिर आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यही था। और ये बताओ जो एफ वेक्टर होता है वो डी पी बाई डी टी होता है, मानते हो? जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एफ वेक्टर है, ये भी मानते हो? मैं चेंज करने जा रहा हूँ सब कुछ डायग्राम। मैं एक काम करता हूँ, मैं एफ वेक्टर की जगह यहाँ पे लिखने वाला हूँ पी वेक्टर, ठीक है? तो मतलब मैंने एफ वेक्टर नहीं लिया, मैंने पी वेक्टर ले लिया। मान लो एक बॉडी मूव कर रही है, उसका लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर है, एफ नहीं, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर है, और एक्सिस से उसकी दूरी आर है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान से देखना,
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, अब देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करने वाला हूँ और वो है ये लो। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी, अगर मैं एफ लगाऊंगा तो ये टॉर्क आ जाएगा, अगर मैं पी लगाऊंगा तो एल आ जाएगा। तो एल का फॉर्मूला आर पी साइन थीटा, ये लो बना लो डायग्राम, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टॉर्क का ही कॉन्सेप्ट कॉपी किया है। एग्जाम्पल ये करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, अभी रुको, जस्ट कोई भी एंगल पे ले लिया मैंने, वैसे तो टेंजेंशियल ही होगा। वेक्टर एल इज आर पी साइन थीटा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब चेक कर सकते हो टॉर्क की कॉपी, बिल्कुल उसी को कॉपी कर रहा हूँ, कुछ भी नया एग्जांपल दे भी नहीं रहा मैं। तो फिर मैंने आपको ये करवाया था, ये लो ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके सामने एक्स एक्सिस है, ये आपके सामने वाई एक्सिस है, आपका एक पार्टिकल है एम और वो मान लो पी वेक्टर मोमेंटम पी के साथ जा रहा है, सच दैट इसकी जो हाइट है यहाँ से वो एच है और ये ओ है। तो आपको निकालना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने का एक बड़ा सिंपल तरीका बताया था, एक लंबा तरीका था, एक छोटा तरीका था। पहला तरीका मेथड वन था, अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे करवाया था कि आप अगर इमेजिन करें कि आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो जहाँ पे मोमेंटम लगा और जिसके अबाउट निकालना चाहते हैं आप, ओ के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो ओ से एक वेक्टर को खींच लें यहाँ तक और इस वेक्टर का नाम दे दें आर वेक्टर। रादर आप थोड़ा और ही आगे ले जाएं तब भी कोई फर्क ना पड़ता, सच दैट ये एंगल क्या लें थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ऐसे करवाया था, फिर मैंने कहा था एल का फॉर्मूला लिख लें आर पी साइन थीटा और फिर आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा को एच बाई आर पुट करें, ये कैंसल हो गया और आपके पास ये वैल्यू आ गई पी इंटू एच। फिर मैंने कहा था मेथड टू में ऐसा मत करें, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, और मैं वही चीज़ लग रहा है, मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, बस इंस्टेड ऑफ टॉर्क मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ये एक लंबा तरीका है, किताबें ऐसे करती हैं और हमें ऐसा नहीं करना, हम सीधा एक शॉर्टकट लगाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिंपली मेथड टू लगाने वाले हैं, जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ये हाइट एच है, ऐसे ये हाइट एच है, ये पी वेक्टर है और ये रहा और ये ओ पॉइंट है। तो शॉर्टकट क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम पी फोर्स, जैसे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ऐसी फोर्स कीजिएगा पी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर इस वेक्टर को पीछे ले जाएं तो इसके एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है एच, तो पी इनटू एच शॉर्टकट मारो और सीधा आंसर आएगा डन। तो बिल्कुल वैसी जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, इसमें टॉर्क है जिसके अंदर एफ फोर्स अगर एक्स एक्सिस में है
तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई में मिलेगा। अगर लीनियर मोमेंटम पी एक्स एक्सिस में है तो उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाई में मिलेगा। ये लगाएंगे आज के बाद, जरूरत ही नहीं है। पर क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं सीधा शॉर्टकट नहीं मार सकता, मेरे को तुम किताबें पढ़ोगे तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, तुमको पता नहीं क्या बुक्स कैसे समझाती हैं सर कैसे समझाते हैं, तो मुझे बताना पड़ता है थोड़ा सा कि ऐसे आया है। ठीक है,